शाम अपने दोस्तों को बताया विराट कोहली का मैसेज आया, तुम्हारी बैटिंग देखा विराट ने, और बड़ी बात होगी आपके लिए आज तो, मतलब पार्टियां चल रही होंगी। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इंटरनेट की फैसिलिटी है मगर क्रिकेट की एकेडमी नहीं है। सर से हमारा डिस्ट्रिक्ट लगता है कच्छ, गांधीधाम लगता है सर, घर से होता है 100 किलोमीटर होता है सर। इनका कहना ये है कि सर जो हवा में स्विंग होता है ना वो तो ये खेल लेगा, पर जब दिक्कत कहाँ आएगी कि वो जो टप्पा पड़ के सीम से जो बाहर निकलता है ना उसमें खेलने में इसको दिक्कत पड़ेगी। तो वो मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, और अगर विराट कोहली इम्प्रेस है और उन्होंने सजेशन दिया है तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो अगर आप विराट कोहली के फैन हैं या उनको अपना आइडल मानते हैं तो उनका ऑटोग्राफ या सेल्फी लेने से आपका दिन बन जाएगा। मगर उससे भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ कच्छ के छोटे से गांव में रहने वाले 10 साल के श्याम गाड़वी के साथ। विराट कोहली ने कुछ ऐसा किया कि उनका दिन क्या उनकी लाइफ शायद इससे बदल सकती है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा आपको। स्पोर्ट्स विद ताऊस पे वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं ताऊस रिव्यू आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो कांजी भाई और श्याम भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, विराट कोहली का मैसेज आया, बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए आज तो, मतलब पार्टियां चल रही होंगी, बहुत बड़ी बात है सर हमारे लिए। श्याम, विराट का मैसेज आया तुमको, पढ़ा तुमने? कैसा लगा पढ़ के? लगा बहुत खुश है सर, एब्सोल्युटली बहुत खुश तो होगा। मगर कांजी भाई ये बताइए कि आपने क्या हुआ क्या है? श्याम क्रिकेट खेलता है, अभी कितने साल का है? 10 साल का है सर। आपका भतीजा कहेंगे अगर उसको, और बहुत सारे वीडियोस आप डालते रहते हो और मुझे भी टैग कर दो, और अच्छा लगता है मुझे इसका, क्रिकेट बहुत प्यारा लगता है जिस। तो हुआ क्या था ये बताइए आप जरा कांजी भाई, इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे कि विराट का रिप्लाई है। सर मैं इंस्टाग्राम के विराट कोहली सर के पेज पे इसका वीडियो डाला था मैंने, तो रोज उनको टैग करता हूँ मैं। कल मैं शाम को 3 बजे ऐसे कुछ डाला था वीडियो, तो सर उन्होंने देखा और सामने रिप्लाई भी किया सर उन्होंने, तो वो बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वो बहुत बड़ी बात तो है, विराट कोहली जैसे क्रिकेटर एक लेजेंड, मॉडर्न डे लेजेंड अगर कहा जाए, तो उनका रिप्लाई आए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और शाम के लिए तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है क्योंकि एक उभरते हुए खिलाड़ी है। मुझे ये बताइए विराट के बारे में बताइए, वो मैसेज क्या था, आप क्या कहना चाह रहे थे वो मैसेज में? आपने फोटो दिखाई, मैं व्यूअर्स को बता दूंगा इस वक्त क्या रिप्लाई किया था उन्होंने, फ्रंट फुट पंच बारे में कहा था, क्या एग्जैक्टली मैसेज किया था आपने और उनका रिप्लाई क्या आया था अगर आप बता सकें? सर मैंने खाली वीडियो ही डाला था, कुछ लिखा नहीं था उसमें, वीडियो डाला उन्होंने देखा और कुछ उन्हें शायद उन्हें मिस्टेक, लेकिन जो श्याम का शोल्डर है ना फ्रंट शोल्डर और हिट पोजिशन है थोड़ा मिड ऑन की ओर जा रहा था, जब एक बॉलर आता था और बॉलिंग डाला तब थोड़ा सा इसका मिड ऑन की तरफ जा रहा था, तो बोला थोड़ा सा ओपन चेस्ट कराओ, थोड़ा हल्का सा वो बॉलर की लाइन में कराओ, थोड़ा सा माइनर थोड़ा सा बॉलर की लाइन में रखो वो का। और तो दूसरी बात उन्होंने बताई कि जो पीछे वाला पैर है ना सर, थोड़ा सा ज़्यादा सफल कर रहा था, ये जो खेलने जा रहा था ना थोड़ा ज्यादा सफल हो रहा, तो वो बोला थोड़ा सा कम सफल करके खेलो। जब उनका कहना ये है कि सर जो हवा में स्विंग होता है ना वो तो ये खेल लेगा, पर जब दिक्कत कहाँ आएगी कि वो जो टप्पा पड़ के सीम से जो बाहर निकलता है ना वो उसमें खेलने में इसको दिक्कत पड़ेगी, तो वो उसने सजेशन दिया विराट सर ने, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बड़ी बात। तो उसके बाद हुआ क्या, आप लोग ने क्या किया फिर? इमीडिएटली आप लोग ने शुरू किया खेलना वर्क करना गेम पे कि क्या किया, थोड़ा सेलिब्रेट किया कल विराट का रिप्लाई, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये आपके लिए? सर बहुत बड़ी बात सर, मैं तो वीडियो भेज के छोड़ ही दिया था, पता नहीं था अभी रिप्लाई देंगे को देख लेंगे, तो मैं ऐसे भेज दिया, तो सर थोड़ी देर में शाम को देखा मैं इंस्टाग्राम खोला तो रिप्लाई आया, तो बहुत खुश हो गया, श्याम को भी बताया तो ये भी बहुत खुश हो गया। अच्छा तो खाना पीना हुआ, पार्टी वार्टी हुई, कुछ बातें घर पे बातें हुई की क्या हुआ, क्या किया आप लोग? बिल्कुल पार्टी हुई सर कल रात को, पूरा सब फैमिली मिलके, वो बहुत अच्छा लगा सबको। क्या क्या हुआ क्या, थोड़े डिटेल में बताइए जरा कि खाना पीना क्या बनाया था, क्या हुआ और क्या डिस्कशन हुआ बेसिकली जब विराट के मैसेज आने के बाद घर पे घर वालों के साथ, श्याम खासकर तुमसे? श्याम बहुत खुश है, घर वालों को सबको बताया कि विराट सर का मैसेज है, तो बहुत घर में पूरा माहौल बदल गया सर, सबको अच्छा लगा, विराट सर ने सर मैसेज किया मतलब बहुत बड़ी बात है,
पर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैसेज आएगा विराट का, कि खाली आप ऐसे ही टैग कर देते थे? नहीं सर, ऐसे टैग करता हूँ जैसे कि मैं आपको भी कर रहा था, मैं दूसरे प्लेयर्स लोग बड़े बड़े जैसे कि इरफान पठान है, मुनाफ पटेल सर हैं, तो इन सबको मैं करता तो वो देखते ना, विराट भाई को मैं किया देख नहीं रहे थे इतने टाइम से, तो अचानक देख लियो रिप्लाई किया तो बहुत अच्छा लगा सर। यूजुअली विराट ऐसे खिलाड़ी हैं जो मतलब देखिए बहुत बिजी रहते हैं, चाहे वो फील्ड पे रहे या ऑफ द फील्ड में रहे, उनके काफ़ी असाइनमेंट्स रहते हैं, काफ़ी उन्होंने उनके प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, काफ़ी उनको प्रैक्टिस के लिए भी बिजी रहना पड़ता है, फिटनेस ये, मगर जो स्पेयर टाइम रहता है वो सोशल मीडिया पे बहुत कम आते हैं, मगर आते हैं तो अगर ये रिप्लाई आना एक क्रिकेटर के लिए तो एक बहुत बड़ा मोमेंट है। तो श्याम तुम किस तरह से उसको देख रहे हो? बहुत खुश है वो तो सर। नहीं तो वर्क किया आज, मतलब जिस तरह से विराट ने बताया तो आपने वर्क किया उस पर? हाँ उसको पूरा बताया कि विराट भाई ऐसे ऐसे लिखा है और ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है बैटिंग में, तो वो उस पर थोड़ा काम करेंगे, तो वो अभी से करेंगे तो सर सही हो जाएगा। आप ज्यादा बोलते नहीं है कांजी भाई? हाँ सर थोड़ा कम बोलते हैं। कम बोलते हैं? बोलते हैं। श्याम पहले तुम्हारा सपना है हिंदुस्तान के लिए खेलना, इंडिया के लिए खेलना? हाँ खेलना है, मगर वो तुम बहुत कम बोलते हो और अपने गेम पे ज्यादा लगता है ध्यान देता है वो। हाँ सर। भतीजे को क्रिकेट में आप लाए कैसे ये बताइए। नहीं सर मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, खेलता था सर, 2 साल से नहीं खेल रहा हूँ, पूरा फोकस इन पे ही है, श्याम पे ही। मैं 5 साल सर मुंबई में खेला हूँ देसर स्पोर्ट्स क्लब के लिए। ओह अच्छा। कांगा नॉकआउट जो आता है सर डी डिवीजन वो भी खेला है, और फिर वहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट से खेला है कच्छ डिस्ट्रिक्ट से। आप करते क्या हो एग्जैक्टली, आपकी फैमिली करती क्या है, आपका श्याम के डैडी क्या करते हैं, और क्रिकेट में इंटरेस्ट आया कैसे यहाँ पर? सर हम तो फार्मर है, इधर खेत है हमारा, उसमें खेती करते हैं हमारा पूरा फैमिली, तो श्याम के पापा भी वो भी इधर खेत में काम करते सर। अच्छा काहे का तो, खेती करते हैं आप लोग? हाँ सर गन्ना है सर, बाजरी है, गेहूँ है, ये सब करते सर। आप लोग ने विकेट किस तरह से बनाया, कुछ अलग तरीके से विकेट, स्पेशल विकेट बनी कि खाली सीमेंट विकेट है सर? मेरे लिए बनाया था, मैं खेल मेरे लिए खेलने के लिए, मेरा थोड़ा थोड़ा बंद हो गया थोड़ा, तो ये श्याम को इंटरेस्ट था ऐसे, तो एक बार खिलाया उसको, तो ये सर थोड़ा इसका टेक्निक अच्छा था सर, तो उसको इंटरेस्ट था पहले से, तो भी उसको ही रेगुलर उसको ही प्रैक्टिस कराता हूँ सर। वो मेरे को भी देखता था इधर प्रैक्टिस करते थे, तो मैं एक दिन सुबह को मैं प्रैक्टिस किया ऐसे बैठा था, तो ये आ रहा था, तो ऐसे इसको बुलाया मैं थोड़ा चल खेलना ऐसे, थोड़ा मूड बना लेते, तो इसको खिला तो थोड़ा इसका टेक्निक अच्छा था सर, बॉल की लाइन में आके खेल रहा था, मैं ऐसे धीरे धीरे करके चालू हो गया सर। फार्मर्स हैं आप लोग, आपकी फैमिली तो इनफ हो जाता है आपके लिए क्रिकेट के ऊपर ध्यान देने के लिए कि इनकम सब देखा जाए, इनकम और बाकी सब चीजें देखा जाए तो फैक्टर्स? नहीं सर चलता रहता है, इनकम में इसका जो पूरा किट बीट है वो सर मुंबई के सर है एक, मैं नाम लेना चाहूँगा किरण मारू करके सर है सर, तो उनको पहले से मेरे को जानते हैं, तो उनको वीडियो बताया था श्याम का सर, ये वीडियो देखो अभी से खेल रहा है, जब पहले चालू किया ना तभी का, तो सर उन्होंने देखा तो बोला अच्छा खेल रहा है, तो इसके पास कुछ था नहीं, पैड भी नहीं थे, बैट नहीं था सर, हेलमेट नहीं ना, ग्लोव्स नहीं ना, कुछ था नहीं, वो मेरा विकेट कीपिंग करता था उसका पैड था, इसको पैड पहना के खिला रहा था मैं, बिना ग्लोव्स के खिला रहा था इसको, और बैट तो था नहीं, तो मेरा बैट बड़ा था 6 नंबर का था, तो उसको काट के पूरा थोड़ा हल्का बना के वजन में इसको खिला रहा था, तो सर को दिखाया मैंने, तो सर बोले ये ठीक है मैं भेजता हूँ, तो उन्होंने पूरा किट भेजा, और आज भी वो कुछ भी चाहिए तो वो पूरा किट कुछ भी चाहिए तो वो भेजते सर, बॉल सब भेजते हैं जी। बहुत बढ़िया बात है। मैं आप खुद क्रिकेटर कीपर थे बैट्समैन थे? सर मैं कीपिंग में करता था और बैट्समैन था सर, राइट हैंड बैट्समैन था, हमारे डिस्ट्रिक्ट है ना कच्छ डिस्ट्रिक्ट लगता है, तो वहाँ से खेला, अंडर 19 में खेला सर। अच्छा थोड़ा सर टाइम निकलता गया, फिर पापा का भी डेथ हो गया था मैंने, तो सर वो टाइम सब फिर घर पे काम भी करना पड़ा, तो धीरे धीरे छूट गया सर, तो फिर ये श्याम का आ गया, अभी तो पूरा फोकस श्याम पे ही है सर। आप कैसे देखना चाहेंगे उनको, श्याम को किस तरह से प्रोग्रेस कराना चाहेंगे? देखिए गुजरात में बहुत सारे क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या ब्रदर्स आ गए, आपके पार्थिव पटेल ने शुरुआत की थी, फिर यूसुफ पठान, अक्षर पटेल, इरफान पटेल, ये सब बहुत सारे क्रिकेटर्स आ गए गुजरात से, तो एक खुल गया, एक एथलीट प्रोड्यूसर कर रहे हैं, तो वो हिसाब से आप किस तरह देख रहे हैं कि किस तरह से फ्यूचर देख रहे हैं श्याम का, और
किस तरह से, अभी चूंकि कच्छ में ही है, कच्छ में मुझे लगता नहीं इतनी फैसिलिटीज होगी, किस तरह की फैसिलिटीज है सर? इधर मेरे घर से तो इधर कोई आजू बाजू एकड़ में है नहीं, यहाँ से हमारा डिस्ट्रिक्ट लगता है कच्छ गांधीधाम लगता है सर, तो मेरे घर से होता है 100 किलोमीटर होता है सर, क्लब कोई नहीं 100 किलोमीटर दूर है, कुछ भी मैच रहता है तो इसको उधर लेके जाता हूँ मैं ट्रैवलिंग करके, आजू बाजू कोई क्लब नहीं है सर, एकेडमी में नहीं, तो यहीं घर पे करते हैं, नेट लगाया है खेत पे फार्मर में वहीं पे करते हैं सर। साल में कितना मैचेस हो जाते हैं सर? मैच तो अभी इन्होंने ज़्यादा नहीं खेला है, 10-1 जितना मैच खेला है इसने, पहले ही मैच में मारा था सर 35 मारा था और नॉट आउट रहा था अंडर 10 में सर। काफ़ी इम्प्रेसिव रहेगा फुट मूवमेंट, और ये खास करके सीखना घर पे ही बहुत बड़ी बात है। और मुझे अपना ग्राउंड बता सकते हैं? बिल्कुल सर। किस तरह से आपने बनाया है? सर ये पूरा नेट है मेरा। अच्छा, ये विकेट है यहाँ से लगे सर, ये घर पे ही बनाया है सर। अच्छा, ये पूरा नेट जी। ओके, पूरा वहाँ से रन अप चालू होता है, यहाँ पे बैट्समैन खड़ा रहता है। अच्छा अच्छा, तो कितना प्रैक्टिस करते हैं? खेत में ही बनाए हैं सर। खेत में ही बना ले। कितना प्रैक्टिस करते हैं आप, कितना कराते हैं इसको प्रैक्टिस? इनको समझ लो 3 से 4 घंटा हो जाता है सर। हाँ, पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इंटरनेट की फैसिलिटी है मगर क्रिकेट की एकेडमी नहीं है, 100 किलोमीटर दूर है आपके गाँव से, कोई आजू बाजू क्लब नहीं है, एकेडमी भी नहीं है सर। तो इंटरनेट की फैसिलिटी है मगर? हाँ सर, इंटरनेट की फैसिलिटी है। तो किस तरह से आप लोग सीखते हैं, मतलब किस तरह से आपकी ट्रेनिंग हो जाती है? सर इनको मैं ही सिखाता हूँ सर, और कुछ इसका वीडियो बनाता हूँ रोज, तो मेरे कोचेस हैं उनको दिखाता हूँ, कुछ फॉल्ट हो तो वो बताते हैं सर। तो आखिर में मैं पूछना चाहूंगा, शाम अपने दोस्तों को बताए विराट कोहली का मैसेज आया तुम्हारी बैटिंग देखा विराट ने, क्या बोले? सब बोल रहे कि सब खुश हो गए स्कूल में। अच्छा, मगर शाम को बोलने दो एक दो बार गुजराती में अगर चले और जो भी बोले, इतना शाय नहीं होने का। सब लोग खुश हो गए। चलिए बहुत बढ़िया कांजी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ऑल द बेस्ट। और ऐसे बहुत सारे रिप्लाईज आएंगे फ्यूचर में, जिस तरह से शाम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो और जिस तरह से आप करा रहे हैं, और अगर उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला तो आई एम श्योर ही इज गोइंग टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, और अगर विराट कोहली इम्प्रेस है और उन्होंने सजेशन दिया है तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। शाम ऑल द बेस्ट, कीप स्कोरिंग रन्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, श्याम गाड़ी की स्टोरी अच्छी लगी, बड़ी ही इंस्पायरिंग है, बड़ी ही जद्दोजहद करते हैं, बड़ी ही पैशन से अपना स्पोर्ट खेलते हैं चाचा और भतीजे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, बताइए हमको आपको कैसा लगा ये वीडियो, और श्याम गाड़वी की इंस्पायरिंग स्टोरी कैसी लगी, और ज़रूर करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करिए और डेफिनेटली लाइक करिए। जल्दी आता हूँ अगली स्टोरी के साथ।